कांग्रेस के विधायक संजय शुक्ला और शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल आज सुबह जवाहर टेकरी पर पहुंचे, जहां उन्होंने नगर निगम के द्वारा किए गए गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन के बाद के हालात देखे। वहां पर सीवरेज के गंधे सड़ांध मारते पानी में नगर निगम के द्वारा सारे शहर से एकत्र की गई गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया है। वहां पर इस पानी में से इतनी बदबू आ रही थी कि व्यक्ति का खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था। आसपास के नागरिक भी कांग्रेस नेताओं को देखकर मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि आसपास की बस्तियों का मलमूत्र का गंदा पानी इस जगह पर आता है। इसके साथ ही इसके आसपास के क्षेत्र में निगम के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा जमीन पर फेंक दी गई गणेश प्रतिमाएं भी खंडित हालत में मिली है। विधायक शुक्ला द्वारा बाकलीवाल के साथ पूरे क्षेत्र में जाकर हालात देखे गए। इस दौरान कांग्रेस नेता सर्वेश तिवारी और अन्य कांग्रेस जन भी मौजूद थे। कांग्रेस नेताओं ने इस बात पर रोष व्यक्त किया है कि नगर निगम के द्वारा नागरिकों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया। प्रथम पूज्य देवता गणेश की प्रतिमाओं के साथ निगम के अधिकारियों ने जो व्यवहार किया वो बहुत गलत है। मौके पर पहुंचे कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला के द्वारा इस पूरी बदतर स्थिति को देखने के बाद तत्काल पंडित को बुलवाकर जवाहर टेकरी पर ही इन प्रतिमाओं के शुद्धिकरण तथा प्रतिमाओं के साथ अपमानजनक व्यवहार किए जाने के कारण प्रायश्चित की पूजा की गई। उन्होंने कहा कि हमारा शहर इंदौर प्रदेश की व्यापारिक राजधानी होने के साथ साथ आध्यात्मिक राजधानी भी है। पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा आध्यात्मिक आयोजन इंदौर में ही किए जाते हैं। यहाँ पर गणेश की प्रतिमाओं के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाना निश्चित तौर पर शर्मनाक है। ऐसे में हमें प्रायश्चित करना चाहिए। नगर निगम के अधिकारी तो अपनी चमड़ी बचाने में और अपने कमाने वाले अधिकारियों को बचाने में ही लगे रहेंगे। इन अधिकारियों का इस शहर से वास्ता इतना है कि यहाँ पर अपनी पदस्थापना के दौरान पैसा कमाना चाहते हैं, बाकी उन्हें इस शहर से कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये हमारा शहर है और हमें अपने शहर में इस तरह की गलत और गद्दी व्यवस्था को मंजूर नहीं करना है। इसके बाद शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल और विधायक संजय शुक्ला जवाहर टेकरी से निकलकर चंदन नगर गए और वहां जाकर दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। की बात है कि इंदौर में जो नगर निगम द्वारा जो खत्म किया गया, जिन गणेश जी को लगातार 10 दिन तक पूरे परिवार के लोग घर में पूजा पाठ से मतलब विधि विधान से पूजा करते हैं, उन परिवारों को का अपमान हुआ। नगर निगम द्वारा किया गया था, जितने भी गणेश जी आप आएंगे तो आप उसका वजन हम विधि विधान से करवाएंगे, तो लोगों की आस्था इतनी जुड़ी थी नगर निगम द्वारा कि नगर निगम बहुत अच्छे से उसका करेगी गणेश जी। हम तो आप देखिए यहाँ पर ये गणेश जी को तोड़ दिया गया, ये खंडित कर दिया गया, ये पड़े में JCB से पूरा दाब दिया गया इस गंदे पानी के अंदर। वो देखिए पूरा गटरों का पानी आ रहा है, लोगों गटरों का पानी आ रहा है, उसके अंदर ये गणेश जी ठंडे करें, ये इंदौर की नगर निगम शर्म की बात है। और इंदौर नगर निगम आयुक्त द्वारा जिन अधिकारियों को सस्पेंड किया गया, बेचारे वो तो कर्मचारी थे, उनका क्या गलत क्या गलती थी उनकी, वो लोगों को तो बोला गया था उन अधिकारियों को सस्पेंड करना चाहिए जो यहाँ सवेरे आकर उन्होंने फोटो खिंचवाए। और वो अधिकारी इंदौर शहर को शर्मनाक वाली घटना हुई है इंदौर शहर में। कल पूरे देश के अंदर इंदौर का नाम बदनाम हो गया। इंदौर शहर हमेशा इंदौर नंबर वन हर चीज़ में रहा है, सफाई नंबर वन रहा, सामाजिक काम हो या कोरोना काल हो या हर चीज़ में इंदौर नंबर वन रहा, परंतु इंदौर की धार्मिक भावना के साथ कल खिलवाड़ नगर निगम द्वारा किया गया, क्योंकि हम लोग लगातार हिंदू धर्म के अंदर हमारे गणेश जी को 10 दिन तक हम पूजा पाठ करते हैं घर में, मान सम्मान से उनकी पूजा पाठ करते हैं, और आखिरी दिन जब विदाई करते हैं तो घर के परिवार के बच्चे रोते हैं, जैसे बच्चे को हम विदा करते हैं इसे हमारे गणेश जी को हम विदा करते हैं। पर नगर निगम द्वारा ये बोला गया था कि उसकी मूर्ति सामने ठंडी करने के लिए हम उसकी व्यवस्था करेंगे, हम नर्मदा जी ले जाएंगे, हम शिप्रा जी ले जाएंगे, परंतु आप लोगों ने ले जाने देंगे, तो उसके खिलाफ इन लोगों ने कल नगर निगम की गाड़ियों में भरकर एक सिरपुर पर जो झावा टेकरी पर जो जल मूत्र जो गंदा पानी होता है उसके अंदर ठंडा कराया, वो पूरे देश के अंदर कल वो वीडियो और आप मीडिया के माध्यम से हुआ था। मतलब हम आज वहाँ पर गए, आदरणीय अध्यक्ष विनय बाकल जी नेतृत्व में शहर कांग्रेस सभी लोग हम वहाँ पर गए और हमने वहाँ पूजा पाठ करी और मान सम्मान से उनको ठंडा करा, क्योंकि जो अंदर चले गए थे वो निकल नहीं सकते, नहीं तो हम उनको निकाल के हम ले जाकर ठंडा करते। मतलब इन्हें रात को JCB के द्वारा उन रात को सबको ढेल के अंदर डाल दिया गया और मट्टी में दाब दिया गया, गणेश जी को फोड़ दिया गया, किसी का हाथ अलग हो रहा था, किसी का पेट अलग हो रहा था, किसी का सर अलग हो रहा था, ऐसे सब चीज हुई है। तो हमने उस चीज को देखते हुए हमने आज वहाँ पूजा पाठ करी, भगवान से माफी मांगी कि नगर निगम वालों को सद्बुद्धि दे कि गणेश जी आपसे माफी मांगते हैं कि नगर निगम द्वारा जो तर्क किया गया, आपका अपमान किया गया, और भारतीय जनता पार्टी सरकार है और मुख्यमंत्री जी के सपनों का शहर इंदौर होने के बावजूद और आपके ऊपर ऐसा हुआ और हिंदू धर्म के नाम पर यह अपमान हुआ हिंदू धर्म का, हिंदू लोगों का, तो उसकी शिकायत करने आप थाने पर आए, तो थाने पर आदरणीय आयुक्त नगर निगम और जो अपर आयुक्त जिससे जो इंचार्ज था उसने भी कल वहाँ पूजा पाठ करके सिर्फ एक वहाँ पर सिर्फ एक ढोंग करके फोटो खिंचवा के चले गए थे और उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, और उसी आयुक्त को अपर आयुक्त को उसका जांच कमेटी का बना दिया गया, तो क्या जांच होगी, जिसके खिलाफ जांच होना चाहिए उसी को इंचार्ज बना दिया गया। तो नगर आयुक्त द्वारा ये गलत अपमान
उसका भी हिंदू धर्म का अपमान हो रहा है। जिन लोगों ने गलत किया उसको कार्रवाई होना चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय गृह मंत्री और सभी लोग मांग करते हैं कि इन पर कार्रवाई होना चाहिए। नेतृत्व में सर अब हिंदू धर्म के नाम पर वो हम पे कितनी भी कार्रवाई कर दें, परंतु हिंदू धर्म का जो अपमान हुआ है उसके लिए हम अगर खड़े हैं, एक नहीं 100 कार्रवाई कर दें, हमको फांसी चढ़ा दें के लिए तैयार है। आज भी देखिए हम गंदे पानी में जाके हमने पूजा पाठ करी, क्यों हिंदू धर्म का अपमान हुआ है। वो हमारा जितना भी करेंगे जनता जनता हमारी भगवान है, उस जनता का अपमान हो रहा है, उस अपमान भगवान का अपमान से नहीं होता। हमारे लिए दो ही भगवान होते हैं, जनता भगवान होती है हमारी और एक भगवान होते हैं, उन दोनों का अपमान हुआ आज। तो उसके लिए वो हमें 1 या 10 केस लगवा दे, उसके डरने वाले नहीं। जनता उसका फैसला करेगी, अभी करेगी, नगर निगम चुनाव में करेगी या विधानसभा चुनाव में करेगी, लोकसभा चुनाव फैसला करेगी, क्योंकि उनको एक ही बार मौका मिलता है, उस मौके के अंदर वो जवाब देगी। तो जनता हमारी भगवान है, जनता सब देख रही है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।